ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसज द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड कम्पैरिजन ऑफ एचुअल रिजल्ट विद प्री डिटर्मिन एस्टिमेट्स इसका मतलब क्या उर्दू में इसको क्या कहेंगे कि एक्चुअली जब आपकी कॉस्ट इनको होगी आप उसे अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड की कॉस्ट से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या फर्क आया अब एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो फर्क आएगा उसको हम कहते हैं वेरियंस इनशाला वेरियंस हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में देखेंगे अच्छा फीचर्स सॉरी फीचर्स ऑफ स्टैंड कॉस्टिंग हमारे पास क्या इट इज कॉम्प्रेंसिव सिस्टम इन इवेंट्रीज रिकॉर्ड है स्टैंड कॉस्ट ये हमें पता है अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे गलती से मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे जीरो आना फॉर एग्जाम्पल मटीरियल प्राइस आपके पास थी फोर पॉइंट टू जीरो पर के जी और एक्चुअली वो मटीरियल आपने साल में खरीदा फोर पॉइंट टू फाइव पर के जी मतलब हमने एस्टमेट किया था फोर पॉइंट टू असल में फोर पॉइंट टू फाइव पर के जी हमें मटीरियल पड़ा असल में मार्केट प्राइस ये मूव कर गई हुई थी इन स्टैंड कॉस्टिंग वी विल रिकॉर्ड द मटीरियल इन्वेंट्री एट स्टैंड कॉस्ट तो हम अपने स्टैंड कॉस्ट कार्ड में क्या लेंगे फोर पॉइंट टू जीरो ही लेंगे ये फोर पॉइंट टू जीरो स्टैंड कॉस्ट कार्डिंग ये हम करते क्यों हैं स्टैंड कॉस्ट कार्ड टू रिपोर्ट वेरिएंसेस नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ना है आसान में वेरिएंस एक्चुअल और स्टैंडर्ड जो प्राइस है या कॉस्ट है उसमें जो फर्क है उसको हम वेरिएंस कहते हैं रीजन फॉर सच वेरियंस और हाईलाइटेड उसको आप हाईलाइट करते हो वेरियंस को कि मेरा एक्चुअल बजट में स्टैंड में क्यों फ़र्क आया और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और आप देखते हो कि वो चीज़ कंट्रोलेबल है या नहीं है कोेक्टिव एक्शन लेते हो कि इस तरह के मामले फ्यूचर में ना हो अच्छा हम एक और चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एब्जॉप्शन कॉस्टिंग मॉडल भी इसमें यूज़ होता है और मार्जिन कॉस्टिंग भी इसको आगे जाके हम देखेंगे तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि बेसिकली हम स्टैंड कॉस्ट क्यों बनाते हैं ताकि उसे एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करें और स्टैंड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो वेरियंस कहलाता है ये हम क्यों निकालते हैं ये हम इसलिए निकालते हैं हैं हम फ्यूचर में इस, इसको देखेंगे कंट्रोलेबल है या नहीं है आ, या और फ्यूचर में हम इन चीजों से बचने की कोशिश करें इन वेरिएंसेस से जो कि एक्चुअल ज्यादा होने की वजह से बन रहे हैं थैंक यू